लोगों से जबरन मुझसे प्रेम तो नहीं करवा सकती, लेकिन वो मुझे पीटकर मार डालने से रोक सकती है। ये शब्द है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के, जो इस वक्त देश के कई शहरों में, कई इलाकों में लगातार गूंज रहे हैं। लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात इन शब्दों के माध्यम से उन लोगों के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो भीड़ को इकट्ठा कर किसी भी कारण से मासूमों को पीट पीट कर बेहाल करती है, बल्कि उसे जान से भी मार डालती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मार्टिन लूथर के जो शब्द इस वक्त देश में गूंज रहे हैं, उनकी वजह है झारखंड में हुआ तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग कांड। आजकल बार बार ये शब्द हमारे कानों में पड़ रहा है, कभी छेड़छाड़ के नाम पर तो कभी गौ रक्षा के नाम पर, कभी चोरी के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर। भीड़ का एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डालने वाली खबर आए दिन सुर्खियों का हिस्सा बन रही है। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ का एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डालना। सवाल यह है कि आखिर ये भीड़ आती कहां से है, आखिर कहां से इतने सारे लोगों को एक जगह होने वाली घटना का पता चल जाता है कि वो उपद्रव मचाने वहां पहुंच जाते हैं। रिसर्च से ये पता लगा है कि ये एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक घटना है, जिसके लिए पहले तो लोगों को किसी विषय पर जबरदस्ती भड़काया जाता है, उकसाया जाता है और फिर उस गुस्से को इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाती है। तबरेज के साथ जो हुआ वो कोई पहली घटना नहीं, बल्कि ये मॉब लिंचिंग देश के लिए काफी समय से बड़ी परेशानी बनती जा रही है, जिसको रोकना अब बेहद जरूरी हो गया है। मॉब लिंचिंग की पहली घटना तब हुई जब 1999 में दिसंबर की ठंड में स्टेंस नामक व्यक्ति अपने घर के रास्ते में एक कार के अंदर अपने बेटों के साथ सो रहे थे। तभी मनोहरपुर गांव की भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। स्टेंस वहां 30 सालों से कुष्ठ रोगियों के साथ काम कर रहे थे, लेकिन उन पर आरोप था कि वो लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाते हैं। इस घटना में दारा सिंह महेंद्र हेम्ब्रम को भी सजा सुनाई गई। अन्य 11 अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने इस मामले में मौत की सजा की मांग की। उड़ीसा हाई कोर्ट ने दारा सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। दारा सिंह के संबंध दक्षिणपंथी बजरंग दल से भी बताए जाते हैं। इसके बाद 2018 में केरल के पलक्कड़ जिले में भी मॉब लिंचिंग की एक और घटना सामने आई। एक आदिवासी पुरुष पर भीड़ ने हमला किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने आदिवासी व्यक्ति के साथ बदसलूकी की, उसके पैर बांधकर उसे बुरी तरह पीटा, अंततः उसकी मौत हो गई। इस घटना की हद ये थी कि लोगों ने मारने से पहले आदिवासी को बंधक बनाकर उसके साथ सेल्फी ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और 5 अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे किस्से हैं जिसमें भीड़ को कानून हाथ में लेकर हिंसा करना लगातार देखा गया। बीदर में मॉब लिंचिंग के मामले में एक इंजीनियर को अपनी जान गंवानी पड़ी। हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बच्चा चोरी की अफवाह में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, जबकि 3 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए। झारखंड में हुए मॉब लिंचिंग कांड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। पहले उनकी चुप्पी को लेकर काफी सवाल खड़े हुए थे। आखिरकार राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने इस अपराध का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें युवक की मौत का दुख है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए पूरे झारखंड को बदनाम करना ठीक नहीं। अपराध होने पर उचित कानून और संविधान के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह से कई भड़काऊ सोशल वायरल मैसेज जो हमारे सामने आते रहते हैं, उनको फॉरवर्ड करने से आपको बचना होगा। साथ ही लोगों को धर्म के नाम पर भी अपनी सोच को बदल देने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। इस समस्या का एकमात्र समाधान है जागरूकता। आप भी जागरूक रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक रहने के लिए कहिए। नमस्कार, फिर से लौटेंगे एक और बड़ी खबर के साथ।